अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। PSL साथ में पहली दफा लाहौर कलंदर्स, पूरी PSL में ओवरऑल लाहौर कलंदर्स जीत गई है। लेकिन ये कुछ एक लाहौर के फैंस हमारे ऑफिस में मौजूद हैं और चले हुए पड़े हैं आज। यकीन करें इनका पूरा चल्लापन आज बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। उम्मीद है खैर आप खैरियत से होंगे। आपने एक्साइटिंग गेम देखी होगी, फाइनल बड़ा तगड़ा फाइनल था। एक तरफ शाहिन शाह अफरीदी थे, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की टीम थी। रिजवान एक लंबे अरसे में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर ये इमर्ज हुए हैं, एक बहुत बड़ा कप्तान, एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी। वो कहते हैं कि मशहूर होने में और मकबूल होने में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और मशहूरी ये होती है कि किसी काम की वजह से, किसी एक हरकत की वजह से, किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया आपको जानना शुरू कर दे। लेकिन मकबूलियत वो होती है जब लोग आपको दिल से कबूल करना शुरू कर दें। तो मोहम्मद रिजवान वो खिलाड़ी बनकर उभरे हैं जिन्हें दुनिया ने कबूल कर लिया है, जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन जिस चीज के ऊपर बात करनी है वो है लाहौर का क्राउड, वो है PSL के मेन स्टेक होल्डर, जो लोग थे, जो अवाम थे, और जिस तरह से लाहौर का माहौल बना था। और अब यकीन कीजिए, लाहौर की जो मुख्तलिफ अहम सड़कें हैं वो इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं अभी तक नहीं खुली हैं, सड़कें बिल्कुल बंद हैं। पूरे लाहौर में इस वक्त शोर मचा हुआ है, गुनगुनाए जा रहे हैं, जगह जगह पर गाने बजाए जा रहे हैं, और दमादम मस्त कलंदर हर जगह लाहौर में हो रहा है, डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। ये वो गेम थी जिसको पाकिस्तान में लाना था, ये वो खुशियां थी जिसको पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट करना था। यकीन कीजिए PSL सिर्फ गेम नहीं थी, ये पाकिस्तानी रियासत का नैरेटिव था, ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था, ये नेशनल सिक्योरिटी का एक बयानिया था जो इंटरनेशनल फोरम में रखना था, और ये एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है क्रिकेट जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर देती है। और हर मकातिब फिक्र का शख्स, गरीब हो, अमीर हो, सियासतदान हो, साफी हो, कोई एक्ट्रेस हो, कुछ कोई भी लोग हो, वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और इस गेम को सेलिब्रेट करते हैं, इसके हवाले से खुशियां मनाते हैं। और जिंदा दिलाने लाहौर उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि दूसरी दफ़ा लाहौर कलंदर्स फाइनल में आई, और दूसरी दफ़ा उन्हीं के और लाहौर के अंदर मैच हो रहा हो और लाहौर के अंदर फाइनल हो रहा हो। तो इमेजिन करें कि क्राउड की क्या इंटेंसिटी थी, क्या नॉइज था, क्या आवाज़ें थी, क्या शोर व गुल था, क्या करिश्मा था, क्या पर्सनालिटीज़ थी, और क्या माहौल था जो गुज़श्ता 24 घंटों में हमने लाहौर के अंदर विटनेस किया है। और अभी तक की इत्तला के मुताबिक मैं 3-4 टेलीविजन स्क्रीन्स खोली हुई हैं और सब पर वाज़े तौर पर ये चीज़ चल रही है कि वहाँ पुलिस लाहौर में जो लोकल इंतजामिया वो सारी कोशिश कर रही है कि सड़कें और ट्रैफिक दोबारा से बहाल हो। वो हो नहीं रही क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा जमे गफीर, और आई एम प्रीटी मश्योर कि लाहौर के किसी घर में कल रात का डिनर भी नहीं बना क्योंकि एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड अबाउट द गेम, अबाउट द लाहौर कलंदर्स, एंड लाहौर कलंदर्स ने हक अदा किया है। एक चीज़ ये, दूसरी अहम चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि PSL के मैचेस फिक्स थे, और शायद कोशिश ये है कि PSL को लाहौर कलंदर्स को जिताया जाए। प्राइम मिनिस्टर खान की शुरू की स्टेटमेंट आपको याद होगी जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस दफ़ा का जो PSL है वो लाहौर कलंदर्स जीतेगी। और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो गेम जीती लाहौर ने, दैट वॉज डिबेटेबल। डिबेटेबल ये थी कि 6 बॉलों पर 8 रन चाहिए, 2 बॉल्स पर 2 शॉट मारकर 2 सिंगल्स ना लेना, 10 बॉलों पर 10 रन चाहिए, और आसिफ अली जैसा फिनिशर जिसने T20 में पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया, जो इंटरनेशनल फोरम का एक बहुत बड़ा तगड़ा फिनिशर था, उसे क्यों गेम अवेयरनेस नहीं थी और उसने छक्का मारने की कोशिश में वो कैच आउट हुआ। बहरहाल जो भी आप आर्ग्यूमेंट कर लें, जो भी बातचीत कर लें, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि लाहौर कलंदर्स ने एक बहुत ही कन्विंसिंग विन की है। शाहिन शाह अफरीदी जिन्हें आईसीसी की जो हालिया रैंकिंग थी उसके मुताबिक एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर माना जाना, उसकी कैप्टेंसी में लाहौर कलंदर्स ने एक बड़ी डोमिनेटिंग, एक बड़ी कैटागोरिकल और एक बहुत ही क्लियर और बड़ी क्लीन एक परफॉर्मेंस दी है। इनपेनिट्रेबल लाहौर एक टाइम पर महसूस होना शुरू हो गई थी, जिस तरह से वो क्लैप कर रहे थे, जिस तरह से वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो चीज़ शायद पूरे पाकिस्तान में आज भी महसूस हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।